साधारण लोग परमात्मा को की खोज को नहीं जानते। वो पहले शुरुआत में आते हैं कष्ट के लिए, परेशानियों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए, रोगों के लिए, विपत्तियों के लिए और अनेकों अनेकों छोटे छोटे कारण ले करके। फिर वो काम होते हैं, फिर शुरू होता है, फिर वो आते हैं देवताओं के लिए, पितरों के लिए, कुलदेव के लिए, कुलदेवी के लिए, ग्राम देवता के लिए, फिर उनके लिए। फिर उनका थोड़ा सा बुद्धि चेंज होती है, फिर सवाल उत्पन्न होने लगते हैं, प्रकृति क्या है, परमात्मा नाम की कोई वस्तु है नहीं है, विष्णु जी कौन है, सृष्टि क्या है, कैसे कौन परमपिता है, कृष्ण बड़ा है, विष्णु अलग है, एक ही है, क्या खेल है, कैसे चल रहा है। ये अनेकों सवाल आपके अंदर में उठने लगते, प्रभाव करने लगते। तो आप इन सवालों को देख करके सवाल करने लगते, अपने ही जवाब देते हो, अपने ही सवाल करते हो, अपना ही देखते हो, अपने ही जवाब तैयार कर लेते हो। कुछ पढ़ी पढ़ाई बातें, कुछ सुनी सुनाई बातें, कुछ बाहर जो लोग बैठे हैं वो बैठे बैठे चर्चाएं होने लगती हैं और उनके ऊपर तर्क वितर्क होने लगते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं। सत्य वो है जो आपने पाया है, जो आपने अनुभव किया है, जो आपने खोज की है, जो मार्ग आपको दिखाया है, जहां आपको पहुंचना है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, जो मंजिल पर जा रहा है, वहां आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। जो आप वाणी से देना, वाणी से समझाना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन अनुभव कराना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि अनुभव होना तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें दोनों का तालमेल की आवश्यकता होती है। कि आप अगर अनुभव के लिए तैयार नहीं है, गुरु प्रयास करता रहे। अगर आप अनुभव के लिए तैयार हैं, गुरु समर्थ ना हो। बहुत बड़ी बातें होती हैं ये। तो जब दोनों का तालमेल सही होता है, गुरु और शिष्य का, तब ये आध्यात्म के विषय की शुरुआत होती है। तब आप उस परमपिता की ओर बढ़ने लगते हैं, तब आप इस संसार से उठ करके उस ब्रह्म की ओर बढ़ने लगते हैं, परम की ओर बढ़ने लगते हैं, पूर्ण पुरुष की ओर बढ़ने लगते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं। और मंजिल की ओर जब कदम बढ़ने शुरू होते हैं तो रास्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो जब आप कोशिश करते हैं इस प्रकृति से ऊपर उठ करके, इस द्वैत से, इस संसार से ऊपर उठ करके मंजिल तक पहुंच जाएं, अपने आप को पा लें, अपनी खोज कर लें, तो आप मानव से महामानव की श्रेणी में आने लगते हैं। आप सोए हुए जीव से एक जागी हुई आत्मा का सफर शुरू करने लगते हैं। और जब ये सफर शुरू होता है तो मंजिल दूर नहीं होती। तो ये जितने भी प्रश्न हैं, आजकल एक और चला हुआ है, ब्रह्मा जी के पिता कौन है, विष्णु जी की माता कौन है, शिव के
पिता कौन है, आदि शक्ति कौन है, किसकी पत्नी है, पूर्ण पुरुष कौन है, आपसे भी ये सवाल पूछते होंगे लोग। तो ये सवाल करने वाले स्वयं भी उस पूर्ण तत्व को नहीं जानते। जब ये उस पूर्ण तत्व को कहां तक बीच में ही रोक देते कि नहीं वो वहां तक है, पर वहां तक नहीं है, उसका पिता कौन है जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो कहां से आया, वो कैसे पैदा हुआ, वो भी पूर्ण नहीं है। उस लोक में भी सुख और दुख है, उस लोक में भी इच्छाएं हैं, उस लोक में भी वासनाएं हैं, फिर कैसे पूर्ण हुआ। जब आप उस पूर्ण तत्व तक जाओगे वहां कुछ भी नहीं है, न विचार है, न बुद्धि है, कुछ नहीं है। मौन 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 बोलते रहते, ये भी स्थिति नीचे की रह जाती है। प्रकाश 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 भी नीचे रह जाता है, न अंधेरा है न उजाला है। तो आप उस पूर्ण तत्व तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, और रास्ते को मंजिल तक पहुंचने का चुनाव कीजिए।